आने वाले त्योहारों के चलते आमजन परेशान ना हो और प्रशासनिक नियम का भी सख्ती से पालन हो, इसी के चलते सभी धर्म समाज से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर और डीआईजी ने कलेक्टर कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में समाज जनों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। समाजजनों ने यहाँ अपने अपने सुझाव भी दिए। बैठक में कलेक्टर पी नरहरि ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, साथ ही निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुधारने के साथ शिकायतों पर भी विभाग ध्यान दे। कंट्रोल रूम की व्यवस्था ठीक नहीं है सर, इसमें सर थोड़ा सा मैं सुने मेरी बात पहले। एक तो कंट्रोल रूम में आम जनता कोई भी फोन करता है तो उसका प्रॉपर सुनवाई होना चाहिए सर, प्रॉपर रेस्पॉन्स होना चाहिए। जो भी फोन कॉल कर रहा है उसका नंबर नोट कर ले, नाम नोट कर ले, क्या प्रॉब्लम है, और तत्काल निचले स्तर के जो भी अधिकारी है उनको निर्देशित करें, और एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद संबंधित जो भी अधिकारी फिर से कंट्रोल रूम में फोन करके बताएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है सर, है ना। और अगर और भी अच्छा रहेगा अगर जिस व्यक्ति ने, जिस आम नागरिक ने आपको फोन करके बताया है कि ये प्रॉब्लम है, कंट्रोल रूम से वापस उसको फोन चला जाए और पूछ लिया जाए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बैठक में प्रशासन ने समाजजनों को देर रात तक साउंड सिस्टम के साथ सड़कों पर बेवजह जगह जगह बैनर पोस्टर लगाने से मना कर दिया और यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए भी निर्देशित किया गया। आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। कल से प्रारंभ होने वाले रमजान का पूरा महीना और इसके साथ ही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त और इस तरह से आने वाले दो महीने में होने वाले विभिन्न त्योहार कार्यक्रमों से संदर्भित आज का ये शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों के द्वारा विभिन्न ऐसे सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित नगर निगम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से जो भी गतिविधियां किए जाना है उसके संदर्भ में अनुरोध किया गया और सभी विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। ये आने वाले समय में जो त्यौहार आएंगे, जैसे अभी रमजान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद ईद का त्यौहार आएगा, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, त्यौहारों के संबंध में थी और उसमें पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं जहाँ पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए तो उनका जो है काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। लोगों का सुझाव था कि पुलिस की सक्रियता और जो चल रही है काफ़ी अच्छी है, लोगों ने अपनी तरह से उसमें अन्य प्रकार के सुझाव दिए हैं कि कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है। उसमें उसको पुलिस के जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जिसमें उपलब्ध रहेगा, पुलिस की वेबसाइट या अन्य नंबरों पर जैसे सतत संपर्क में रह सकते हैं, जब ये कोई फोरम ना रहे, पुलिस के साथ वो लगातार संपर्क में रह सके, वो नंबर और वो सुविधाएं उनको बताई गई। शांति समिति की इस बैठक में समाज के प्रतिनिधियों के साथ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।